सरकार के सख्ती के बावजूद कई प्रखंड क्षेत्रों में अब तक लोगों के बीच राशन का वितरण नहीं हो सका है, तो दूसरी ओर कार्ड से वंचित लोगों के बीच राशन वितरण नहीं किए जाने से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यदि सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आए और पड़ोसी साथ नहीं दें तो बिना कार्ड के रह रहे गरीबों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। इस मुद्दे पर आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता तथा राज्य परिषद के सदस्य निरंजन राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए कहा है कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा गायघाट और कटरा के गरीबों में लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। लगातार अनुरोध और शिकायत के बावजूद संबंधित BDO एवं संबंधित अधिकारी के द्वारा इस मामले में पहल नहीं की जा रही है। आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से स्थिति बिगड़ती जा रही है। देखिए, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए ही मुफ्त अनाज और नगद राशि की व्यवस्था की गई, लेकिन राशन कार्ड से वंचित गरीबों और दैनिक मजदूरों के लिए सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। हमारे गायघाट विधानसभा में 41 पंचायत हैं, जिसके अंतर्गत गायघाट प्रखंड का 23 पंचायत, बंदरा प्रखंड का 12 पंचायत और कटरा का अंश कटरा प्रखंड का 6 पंचायत है। कुल मिलाकर के 41 पंचायत है और लगभग इन 41 पंचायतों में 7 से 8 हजार गरीब और दैनिक मजदूर परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं। वर्ष 2018 में सरकार के द्वारा एक अभियान के तहत मुजफ्फरपुर जिले के कार्ड से वंचित गरीबों का आवेदन लिया गया, लेकिन आज तक उन्हें राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया गया, जिस वजह से आज हजारों गरीब मजदूर परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। हम लोग अपने स्तर से यथासंभव सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बिहार सरकार से ये मांग है कि कार्ड से वंचित गरीबों एवं दैनिक मजदूरों के लिए भी सरकार द्वारा जो घोषित अनाज एवं नगद राशि तथा अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द दी जाए, जिससे कि जो गरीब और जो दैनिक मजदूर परिवार है उनके बच्चे और उनके परिवार को भूखमरी से बचाया जा सके। बड़ी खराब स्थिति है। लॉकडाउन अगर कुछ समय के लिए होता, ये समझ लीजिए कि कितनी लंबी अवधि से चली आ रही है। कुछ जो लोगों के पास घर में अनाज और व्यवस्था थी वो समाप्त हो गया। बड़ी खराब स्थिति है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब मुजफ्फरपुर जिले और गायघाट विधानसभा सहित मुजफ्फरपुर जिले के सभी क्षेत्रों में, सभी पंचायतों में, जिले के सभी पंचायतों की यही स्थिति है। तो मुजफ्फरपुर जिले की 384 जो पंचायत है, 3 नगर पंचायत है सहित सब में जो कार्ड से वंचित हैं उनके लिए जल्द से जल्द राशन और जो नगद राशि तथा सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो मुहैया कराए।